नमस्कार नमस्कार। क्या तैयारी कर रही है, क्या हो रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली से माननीय राहुल गांधी जी आज नामांकन पत्र भरने के लिए आ रहे हैं। इसकी घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं में पूरे देश के अंदर और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और रायबरेली अमेठी में एक उत्साह का वातावरण है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कई दिनों से इस निर्णय का की रास्ता देख रहे थे, आज उनकी भावनाओं को पूर्ण रूप से मान्य करते हुए माननीय राहुल गांधी जी नामांकन पत्र भरने के लिए रायबरेली आ जा रहे हैं। यहाँ से तो अन्य चुनावी सभाएं उनकी हैं, लेकिन आज यहाँ पर माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, माननीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी सब यहाँ एकत्र हो रहे हैं और यहाँ से दोनों जगह नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। टिकट को लेकर किसी प्रकार की कोई उठापटक नहीं थी। एक रणनीति के तहत यहाँ की घोषणा रोकी गई थी, आज सुबह ये घोषणा कर दी गई है और रायबरेली और अमेठी दोनों गांधी परिवार के लिए बराबरी का है। माननीय जहां राहुल गांधी जी अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पे अमेठी से परिवार के ही सदस्य के रूप में एक कर्मठ कार्यकर्ता और एक अच्छे संगठक के रूप में केएल शर्मा जी, जिन्होंने 20 वर्षों तक यहां पे कार्यकर्ताओं के संगठन की सेवा की है, उन्हें मौका दिया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे। स्मृति ईरानी जी का जो कहना है वो तो वही समझती हैं कि वो क्या कहती हैं, उनका वक्तव्य जो होता है, लेकिन उसका जवाब अमेठी की जनता बहुत जल्द ही 20 तारीख को उनको देने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।